वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर की रेसिपी। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो इसी लिए मैंने बनाया है खीर, क्योंकि मेरे बेटे का फेवरेट स्वीट डिश है खीर और मेरा भी फेवरेट है। तो अगर आप लोग इस टाइप से खीर बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है तो आपको यह रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खीर बनाने की रेसिपी। खीर बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी से थोड़ा सा कम चावल। खीर बनाने के लिए हमें थोड़े से मोटे चावल लेने हैं, हमें पतला चावल नहीं लेने खीर बनाने के लिए। अब चावल में हम पानी डालकर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चावल थोड़ा हमारा अच्छे से भीग जाए, सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट के बाद हम इसका पानी बिल्कुल अलग निकाल लेंगे। खीर बनाने के लिए हमें 2 लीटर मिल्क चाहिए। मिल्क को हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और हमें खीर बनाने के लिए थोड़ा सा मोटे तले का बर्तन लेना है ताकि हमारा खीर जले ना नीचे से। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और इसको थोड़ी देर लो फ्लेम में हम पकाएंगे, हल्का सा एक उबाल आने तक। मैंने अभी इसमें 1 लीटर दूध डाला है, दूध को मैंने अच्छे से खौला लिया है। दूध को हमें थोड़ी देर लो फ्लेम में चलाते हुए गर्म करना है ताकि दूध हमारा जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और इसके ऐसे पकाने से खीर का टेस्ट और बढ़िया लगता है। इसको हमें चलाते रहना है एक एक दो दो मिनट में, इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ना तो हमें खीर में ढक्कन लगाना है वरना खीर हमारी जल जाएगी। ये देखिए इसमें हमारा एक उबाल आ चुका है। खीर को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है और इसको हम चलाते रहेंगे। बीच में हम इसको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे से चिपक जाएगा। अब ये देखिए खीर को पकाते हुए हमें लगभग 1 घंटा हो चुका है और खीर हमारी गाढ़ी हो गई है, देखने से ही पता चल रहा है। किनारे पर जो मलाई लग रही है उसको भी हम बार बार निकालते रहेंगे एक चमचे से। तो खीर बनाने के टाइम हमें बस खीर पे ही ध्यान देना होता है, इधर उधर हम कुछ काम करने लगेंगे तो खीर हमारी तुरंत जल जाएगी। वैसे तो खीर हम बहुत सी चीज़ों का बनाते हैं, सेवैया का खीर बनाते हैं, साबुदाने का बनाते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों का बन जाता है। बट खाने में सबसे अच्छी जो खीर लगती है वो चावल की खीर ही लगती है खाने में। लगभग अभी इसको पकाते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और ये देखिए खीर हमारा कलर भी थोड़ा चेंज हो गया खीर का, और ये खीर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट सा दिख रहा है। चावल देखिए इसमें बहुत सॉफ्ट सा दिख रहा है। इस केस में अब हम इसमें बचा हुआ दूध डाल देंगे, हमने 1 लीटर पहले ही दूध डाल दिया था। अब आप पूरा दूध इसमें डाल सकते हैं, चाहे आप दूध का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। स्टर करते रहेंगे। खीर को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है तभी इसका टेस्ट और भी बढ़कर आता है, और भी अच्छा लगता है ये खाने में। खीर को पकाते हुए हमें लगभग 2 घंटा हो चुका है और ये देखिए खीर हमारी लगभग पूरी बन चुकी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने इसमें 2 कटोरी चीनी डाला है, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। चीनी डालने के बाद हमें इसे 1/2 घंटा और पकाना है जब तक कि खीर हमारी गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए चीनी डालने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब खीर में हम इलायची डालेंगे। इलायची को मैंने कूट लिया है और इसके छिक्कल अलग कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डालेंगे। मैंने बादाम को काट लिया है पतला पतला लंबे पीस में। किशमिश डालेंगे और चिरौंजी डालेंगे। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप खीर को बना सकते हैं। ये खाने में वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। खीर का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये देखिए। और जैसे जैसे खीर ठंडी होगी वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। हमारी खीर पक चुकी है और ये परफेक्ट बनी है, बहुत ही अच्छी खीर बनी है, देखने से पता चल रहा है। अब लास्ट में हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे
घी हमने स्टार्टिंग में नहीं डाला था, इसलिए हम इसमें लास्ट में डालेंगे। लास्ट में डालने से इसका और अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करके अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। खीर हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब जल्दी से हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं और ये बहुत ही यम्मी दिख रही है, बहुत ही डिलीशियस बनी है। खीर को आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं। फ्रिज में रखी हुई खीर भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। इसको आप दोनों टाइप से खा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी खीर की रेसिपी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें मेरी खीर की रेसिपी को। और इस रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें, क्योंकि अगर एक बार आप लोग इस तरह खीर की रेसिपी बनाएंगे तो आप बार बार ऐसी खीर को बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस टाइप से खीर बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और जिनको खीर खाना पसंद नहीं है वो लोग भी खीर खाना स्टार्ट करने लगेंगे। तो आप लोग भी इस टाइप से खीर की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी खीर बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।